हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस सा रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पे फूल गोभी, वो भी देखिए थोड़ा सा फूल गोभी हमने यहाँ पे लिया है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमारे पास इतना ही गोभी पड़ा था तो उसी का रेसिपी हम बना के तैयार कर रहे हैं। तो और एक हमने यहाँ पे लिया है गाजर, तो हम थोड़े से सामान में ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे। और ये रेसिपी आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस है ये रेसिपी बनता है। तो फ्रेंड, उसके लिए पहले हमें क्या करना है, प्याज लिया है हमने, तो प्याज को इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 प्याज लिया है, आप चाहे तो इसे जो है ग्राइंडर जार में पीस भी सकते हैं प्याज को। और अदरक हरी मिर्च लिया है, तो हमने 5 हरी मिर्च ले लिया, थोड़ा सा अदरक ले लिया, इसको भी इस तरह से हम चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं, तो हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है। और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए गोभी और जो गाजर लिया है ना, तो उसे भी हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें इस सारे चीज़ों को इस तरह से चॉप कर लेना है। आप चाहे तो इसे गोभी को कद्दूकस भी कर सकते हैं और गाजर को भी कद्दूकस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गाजर और गोभी को कद्दूकस कर लिया है और इसे हम बस एक बर्तन में निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए गाजर को भी हमने किस तरह से चॉप किया है। तो बस यहाँ पे अब हम टमाटर है, तो हमने 4 टमाटर लिया है मीडियम साइज का, तो इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा बीच में चीरा लगा के पानी में डाल देंगे बॉईल करने के लिए। और थोड़ा सा हमने लिया है मूंगफली का दाना, तो आप चाहे तो यहाँ पे काजू भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आज मूंगफली का दाना से बनाएंगे ये रेसिपी। और बहुत ही शाही अंदाज में ये रेसिपी बन के तैयार होगा, मतलब बहुत ही शाही टेस्ट लगता है इसका खाने में। तो रेस्टोरेंट का स्वाद आप भूल जाएंगे जब एक बार इस तरह से रेसिपी बनाएंगे। और इसमें देखिए हम थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं, तो हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, जीरा पाउडर डाल दिया, नमक डालते रहे टेस्ट के अनुसार। और यहाँ पे डालेंगे हम यहाँ पे धनिया पाउडर, तो हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया। चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए। और यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कलर और टेक्सचर कलर बहुत ही अच्छा आते हैं। और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन, तो हमने यहाँ 4 चम्मच बेसन लिया। पहले हम थोड़ा बेसन डालेंगे जिससे देखेंगे बाइंडिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं, अगर बाइंडिंग अच्छा नहीं होता है तो फिर हम ये जो 4 चम्मच बेसन लिए ये पूरा डाल देंगे। बेसन डालने से बाइंडिंग अच्छा होता है और जो ये हम बनाएंगे बॉल, तो ये जो है बिखरता नहीं है तलने में, फ्राई करने में। तो यहाँ पे हम अदरक हरी मिर्ची भी डाल दिए इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, आलू हमने लिया है बॉयल किया हुआ, 2 आलू लिया है, हरा धनिया डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स करके और इस तरह से छोटा छोटा बॉल बना के हम तैयार कर लेंगे। और इसको हम तैयार करने के बाद में इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट बाद ही हमें इसे फ्राई करना है ताकि जो है सेट हो जाए बॉल जो है। और यहाँ पे देखिए टमाटर भी हमारा बॉयल हो गया है, तो इसका हम छिलका हटा के और इसके जो पानी है ना जिसमें हम उबाले थे उसको अलग रख लेंगे। अब बस यहाँ पे हमने तेल रख दिया है कढ़ाई में, तो तेल गरम हो गया है, मीडियम तेल गरम करना है हमें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं, नहीं तो ये बिखर जाएगा एकदम लो फ्लेम पे। और फिर इसके बीच में हमें लो फ्लेम पे करके फ्राई करना है जिससे ये अंदर से जो है बॉल पक जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है निखर के। तो बस इसे हम इसी तरह से दूसरे शिफ्ट का भी बॉल जो है जितना हम बनाए हैं वो फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड, आप इसे बोल सकते हैं कि ये गोभी का कोफ्ता है, तो नहीं, ये गोभी का कोफ्ता तो गोभी से बनता है, लेकिन आज हम इसे डिफरेंट तरह से बना रहे हैं। मतलब हमने इसमें आलू भी डाला है और एक गाजर भी डाल दिया है, तो इससे इसका कोफ्ते का भी टेस्ट है जो है ना फ्रेंड एकदम अलग लगता है खाने में। गोभी का जो बनाते हैं केवल अलग से तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है अलग होता है। तो देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया था, सरसों का तेल लिया था 4 चम्मच, और उसके बाद हमने इसमें प्याज डाल दिया और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है फ्रेंड, जो साबुत लौंग इलायची वगैरह सब डाल दिया है, गरम मसाला दालचीनी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो अदरक हरी मिर्ची को हमने रखा था उसे डाल देंगे और अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे। अब जीरा डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा लिया था फ्रेंड। और इसे अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है प्याज को। तो यहाँ देखिए प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। फ्रेंड्स, टमाटर और जो हमने मूंगफली ये सब बॉयल किया था ना फ्रेंड, तो हमारा मिक्सी जार खराब हो गया था, सॉरी,
तो उसके वजह से मेरे को जो है चॉप में ही इसे पीसना पड़ा। तो इससे थोड़ा ये जो है मूंगफली वगैरह साबुत साबुत से रगे, खड़े खड़े से रगे, तो आप इसे ग्राइंडर जार में ही पीसिएगा, जिससे कि बहुत स्मूथ सा इसका जो है टेक्सचर आएगा। और हमें ग्राइंडर जार में ही पीसना है जो टमाटर के ग्रेवी बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमने चौपड़ में किया, क्योंकि हमारा जो मिक्सी जार मिक्सी ख़राब हो गया था, इस वजह से हमने पीस नहीं पाए। तो यहाँ पे देखिए इसे हम मिक्स कर देंगे, और अच्छे से हमें भूनना है इसे टमाटर को भी प्याज के साथ में। और इसमें जो लगा हुआ था टमाटर, इसे थोड़ा पानी डाल के हम डाल दिए इसमें कढ़ाई में। और इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, तो हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया फ्रेंड यहाँ पे। और इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर, तो हमने 1.5 चम्मच करीब धनिया पाउडर ले लिया है मसालों में। और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, जिससे जो मसाला अच्छे से भून जाएगा और टमाटर वगैरह जो हम थोड़ा सा साबुत से रगे हैं तो वो जो है गल जाएगा टमाटर अच्छे से। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। हमने लाल मिर्च भी डाले है फ्रेंड, तो मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी लिया था यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अब इसके बाद हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद भी हमें 2 मिनट के लिए भुनना है, जिससे जो है मलाई जो है अच्छे से पक जाएगा और इसमें कलर अच्छा सा आ जाएगा। और यहाँ पे हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, तो हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, जिससे ग्रेवी में जो है टेक्सचर अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आता है। बस मलाई डालने के बाद भी हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए एकदम सिम फ्लेम पे करके, मतलब एकदम धीमा फ्लेम पे, जिससे जो है देखिए मलाई से भी घी छोड़ेगा और जो ऑयल है वो भी छोड़ देगा, रिलीज़ हो जाएगा कढ़ाई में। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें मटर डालेंगे, तो हमने मटर लिया था 1 कटोरी बॉयल मटर फ्रेंड, हमने मटर को बॉयल कर लिया था। और जो पानी बचा हुआ है ना उसका, जो हम टमाटर उबाले थे वही पानी हम डालेंगे बॉयल पानी, अगर करने से पानी कम पड़ता है फ्रेंड। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे, कम या ज़्यादा जितना ग्रेवी आप गाढ़ा चाहते हैं। हमने थोड़ा सा ग्रेवी जो है पतला रखा है, क्योंकि हमारे घर में पतला ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप गाढ़ा ग्रेवी भी रख सकते हैं। और जब आप टमाटर और ये पीसेंगे ना पर मूंगफली वगैरह, तो उससे बहुत स्मूथ सा टेक्सचर आता है ग्रेवी में। तो हमने तो पीसा नहीं है फ्रेंड यहाँ पे मिक्सी ख़राब होने की वजह से, सॉरी, तो हमारा ग्रेवी उतना गाढ़ा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ देखिए हमने ढक दिया था, ढक्के से पका लिया फ्रेंड। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका पक गया है ग्रेवी अच्छे से, और तेल भी रिलीज़ हो गया है। आपको दिख रहा होगा कि तेल ऊपर पर कितना अच्छा दिख रहा है। तो बस हमारा ग्रेवी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में गरम मसाला, तो हमने आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया इसमें। और हरा धनिया डालेंगे फ्रेंड। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में रेसिपी। और आप पनीर की जगह अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये रेसिपी बना के खिलाएंगे, तो वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि बहुत ही अच्छा रेसिपी बना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम कोफ्ते को कढ़ाई में इस तरह से सेट कर लेंगे सर्विंग बाउल में। और उसके बाद भी हम ऊपर से ग्रेवी डालेंगे। आप ग्रेवी डाल देंगे उसमें, तो जो ग्रेवी जो है, अरे कोफ्ते डाल देंगे ग्रेवी में फ्रेंड, सॉरी, तो जो कोफ्ता है एकदम गल जाएगा। आप जब सर्व करना है तो इस तरह से कोफ्ते को फ्राई करके रख लीजिए, और जब सर्व करना है उसके ऊपर ग्रेवी डाल के आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस है ये रेसिपी हमारा बन के तैयार है फ्रेंड। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो ये भी बताइएगा, किस सिटी से देख रहे हैं। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप देखिए कितना बढ़िया बनाए, कितना बढ़िया टेक्सचर इसका लग रहा है, देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, हमारे कहने से एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।